साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कांग्रेस क्यों गुजरात में नहीं उतर रही है, आखिर क्यों कांग्रेस गुजरात में ठंडी नजर आ रही, जबकि कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत जल्द कांग्रेस के बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं। तो क्यों आखिर कांग्रेस बीजेपी से डर रही है, क्योंकि बीजेपी पिछले 27 साल से गुजरात में राज कर रही है, वहां पर उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हैं। इसके साथ आम आदमी पार्टी भी एक विपक्ष के तौर पर मजबूत साबित हो रही है, लेकिन ऐसा क्या हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो फीकी सी नजर आ रही है गुजरात के अंदर। आप देख सकते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली मॉडल के साथ उतर चुकी है, बीजेपी पार्टी गुजरात मॉडल के तहत उतर चुकी है, ओबीसी की पार्टी वो है हैदराबाद, जो मॉडल है उनका हैदराबाद का, उसके तहत उतर चुकी है। लेकिन ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी शांत है, लेकिन आप देख सकते हैं जो सी वोटर्स का रिजल्ट आया, ओपिनियन पोल आया, उसके तहत आज भी गुजरात के अंदर जो दूसरे नंबर की पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही। इसके बड़े बड़े क्या कारण हो सकते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज की बात हमारे साथ मौजूद है मैम, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आखिर ऐसा क्या है कि जो आज कांग्रेस पार्टी है वो गुजरात के अंदर बड़ी फीकी नजर आ रही है। जयंती मैम, देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे, पिछले चुनाव में मुख्य विपक्षी पार्टी, पिछले चुनाव में क्या अभी भी मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर नजर आ रही है। बट आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा रितिक कि कांग्रेस पार्टी नजर क्यों नहीं आ रही है। देखिए कांग्रेस इस वक्त मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुजरात चुनाव से ज्यादा फोकस उनका 2024 के चुनाव पर है, क्योंकि गुजरात में इस वक्त उनके पास कोई चेहरा, देखिए अहम चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और 2024 के चुनाव के लिए राहुल गांधी मशक्कत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का हालांकि गुजरात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो पूरे देश को साधना चाह रहे हैं। अब देश की राजनीति, देश स्तरीय के तौर पर अगर राजनीति हो रही है देश के स्तर पर, तो वो आप समझ लीजिए उसको कि एक तरीके से 2024 के चुनाव की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है रितिक कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो 2024 के चुनाव पर ज्यादा फोकस कर रही तो, है। पर तो यहाँ पर जयंती में देखा जाए कि तो उसका ध्यान तीनों राज्यों पर क्यों नहीं है, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं कि अगर राज्य वो नहीं देखेंगे तो लोकसभा उनकी क्या किरकिरी होगी, बहुत ज्यादा खराब तरीके से, क्योंकि अभी 5 राज्य भी वो हारे थे, वहां पर उसकी खासी सीट नजर नहीं आई। आप देख सकते हैं, अगर मैं एक सवाल इसमें और ऐड कर दूं कि अगर खड़गे वहां उतर जाते हैं गुजरात में, तो क्या कुछ नया बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ खड़गे नहीं, आप बात कर लीजिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि गुजरात के लिए तैयारी नहीं कर रही है कांग्रेस। यहाँ पर अभी हाल ही में खबर आई थी रितिक कि राजस्थान के 2 से 3 बड़े नेता, जो कि जिनमें अशोक गहलोत का नाम भी शामिल है, अशोक गहलोत को आप समझ सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और अगर वो उतरते हैं गुजरात चुनाव के मैदान में कांग्रेस का हाथ थामने के लिए, या माफ कीजिएगा कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, या कांग्रेस की जो जमीन कमजोर हो चुकी है उसको मजबूत करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि अशोक गहलोत और अशोक गहलोत के साथ साथ जितने और बड़े नेता है वो भी अपना दमखम लगाएंगे। यहाँ पर एक नाम और आ रहा है जयंती जी, एक नाम यहाँ पर ये आ रहा है कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनके पुत्र प्रियांक खड़गे, वो भी गुजरात में उतर सकते हैं। तो आपको लगता है कि प्रियांक खड़गे गुजरात में उतरेंगे, और यदि वो गुजरात में उतरते हैं तो क्या कुछ नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं गुजरात की राजनीति में? देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करेंगे, अभी अभी वो हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष पद का चुनाव उन्होंने लड़ा शशि थरूर के सामने, 7 गुना वोट से वो जीते वो चुनाव। अब यहाँ पर वो उतरते, उनके बेटे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, इस पर बाद में बात की जा सकती है रितिक, क्योंकि उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे पर नजरें टिकी हुई है, क्योंकि अभी अभी वो अध्यक्ष बने हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अध्यक्ष पद तो उनको मिल गया, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस में बड़ा बदलाव नहीं करेंगे अगर वो अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे, तो उनके बेटे का जो नाम आप बता रहे हैं वो शायद राजनीति में उतना ज्यादा मशहूर नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे की आप बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता है, बेशक मल्लिकार्जुन खड़गे की तर्ज पर उनके बेटे को उतारा जा सकता है, इसकी संभावनाएं जताई जा सकती है, लेकिन उसका फायदा तभी मिल पाएगा जब मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद के, जब अध्यक्ष वो बन चुके हैं, जब कांग्रेस के लिए वो बड़े बदलाव करते हैं, और कांग्रेस के लिए जो वो बड़े बदलाव करेंगे उसका कुछ असर देखने को मिलेगा, तभी उनके बेटे गुजरात में
अपनी छाप छोड़ पाएंगे, ऐसा मुझे छाप छोड़ पाएंगे जैसे जयंती मैम ने बताया। लेकिन मैम एक यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है कन्हैया कुमार को लेके, कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार और प्रियंक इन दो चेहरों में से कोई एक चेहरा गुजरात में देखने को मिलेगा। आप समझते हैं कि जो जोशीले चेहरों के रूप में माना जाता है कन्हैया कुमार का चेहरा, क्योंकि आपने देखा होगा संबित पात्रा के संग में जब भी उनकी डिबेट होती है तो ये भूल जाते हैं कि मैं एक नेता बन चुका हूँ, आज भी वो कुछ भी बोल जाते हैं और ध्यान नहीं रहता कि कांग्रेस पार्टी कमान के जो विभिन्न पद उनको दिए गए हैं उन पदों को भुला देते हैं। तो आपको लगता है कि यदि कन्हैया कुमार उतर जाते, प्रियंका को छोड़िए खड़गे को छोड़िए, यदि कन्हैया कुमार गुजरात में उतर जाते तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है और कन्हैया कुमार किस हित से वोट वहां पर मांग सकते हैं? देखिए अभी बीच में जब कन्हैया कुमार ने पार्टी ज्वाइन की थी कांग्रेस पार्टी, तो जिग्नेश मेवानी का नाम सामने आया था कि जिग्नेश मेवानी जो है वो उतरेंगे, और उनको इसीलिए उतारा गया क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वो भी दलित युवा दलित चेहरा है, बड़ा चेहरा है, तो उनको उतारे। लेकिन बीच में देखिए कितने मसले हुए, उनके साथ कितने मामले सामने आए, तो उनका नाम कहीं ना कहीं पत्ता कट हो गया। अब कन्हैया कुमार की बात करेंगे तो देखिए फर्क पड़ सकता है, पर उतना फर्क पड़ेगा कि नहीं वो नहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं ऋतिक, क्योंकि कन्हैया कुमार गुजरात की राजनीति को किस तरीके से समझते हैं और गुजरात की राजनीति में लोगों के दिमाग को टटोल पाएंगे कि नहीं, उसके आधार पर जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी वो उनको उतारने का प्रयास करेगी। अब उनके दिमाग को कांग्रेस पार्टी पढ़ पाई है कि नहीं पढ़ पाई है, या फिर उनकी काबिलियत को देख पाई है कि नहीं देख पाई है, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि वो गुजरात चुनाव में उतरेंगे कि नहीं। अब अगर उतरते हैं तो ऐसा हो भी सकता है कि प्रभाव पड़े, लेकिन ज्यादा संभावना नहीं है कि उतना प्रभाव पड़ेगा जितनी आशंका जताई। अच्छा मैं इसमें एक सवाल और ऐड करूंगा कि आप मुझे ये बताइए कि जो कांग्रेस पार्टी है और आम आदमी पार्टी, ये दोनों विपक्ष के तौर पर गुजरात में नजर आ रहे हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि वो सिर्फ मुस्लिम वोटर्स को एक करने में जुटे हैं, तो आप ये जानिए कि जो आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों पार्टी की अगर बात करें तो इन दोनों पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर कौन साबित हो सकती है, क्योंकि अभी आम आदमी पार्टी का एक बड़ा खेमा देखने को मिल रहा है कि वो वहां पर कमान संभाले हुए हैं और 50-60-70 सीटों को ला सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी की वहां शुरुआत नहीं हुई। हम लोग अभी बात कर रहे थे कन्हैया कुमार को प्रियंका को लेके, लेकिन यहां पर अगर विपक्ष की बात करें तो बीजेपी को कॉन्टेक्ट कर दे सकता है। जी तो विपक्ष की अगर बात आप करेंगे तो यहाँ देखिए आम आदमी पार्टी की बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी को माना तो जा रहा है कि जमीन जो है उनकी मजबूत होती जा रही है, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी किसी तरीके से आप देखिए कांग्रेस को ही देखा जा रहा है मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर, बोला यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी तरीके से कांग्रेस को हटाएगी और बीजेपी की बी टीम बनकर काम करेगी, ऐसा बोला जा रहा है, आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी पर। बीजेपी के कई नेता, बड़े बड़े नेता, अमित शाह जी की बात कर लीजिए या फिर आप खुद मोदी जी की बात कर लीजिए, वो लगातार आम आदमी पार्टी पर यही आरोप लगाते आ रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी पर नहीं, कांग्रेस जो है, कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी बी टीम के रूप में काम कर रही है क्योंकि वो हमारे वोट काटने का काम करती है। तो यहाँ देखिए हो सकता है कि आम आदमी पार्टी एक मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभर कर आए, लेकिन कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाना छोड़ेगी नहीं। मुझे बस एक लास्ट सवाल आपसे और पूछना था, एक लास्ट सवाल ये है कि जैसे कांग्रेस गुजरात में नजर नहीं आ रही, वैसे आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी नजर नहीं आ रही, तो इस पर आप विशेष टिप्पणी क्या करेंगे? देखिए हिमाचल प्रदेश और राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान देखिए राजस्थान को कांग्रेस का ही गढ़ माना जा रहा है, अशोक गहलोत को आप देखिए अध्यक्ष पद का चुनाव वो लड़ते रह गए कि राजस्थान उनके हाथ से ना निकल जाए। अभी जिन जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत नहीं है और जिन जिन राज्यों में मजबूत है वहां से कांग्रेस ये सोच रही है कि कहीं वहां से भी जमीन ना खिसक जाए, तो यहाँ आम आदमी पार्टी की बात करेंगे कि इन दो राज्यों में वो नहीं आ पा रही है, तो आम आदमी पार्टी अभी धीरे धीरे विस्तार कर रही है अपनी पार्टी का, पंजाब में किया देखिए क्लीन स्वीप किया कांग्रेस को टक्कर देकर बिल्कुल क्लीन स्वीप, गुजरात में भी यही कोशिश जारी है, महाराष्ट्र में भी कोशिश जारी है, लेकिन अभी जिन दो राज्यों की आप बात करें उसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा थोड़ा वक्त लगेगा, ये तो समय तय करेगा कि गुजरात की राजनीति में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बिल्कुल जो है कमजोर हो चुकी है, वो मजबूत साबित हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि कांग्रेस इतना शांत क्यों है, कहीं ना कहीं उसके सीक्रेट प्लान चल रहे हैं और ये सीक्रेट प्लान क्या हो सकते हैं कांग्रेस के, ये तो वक्त ही तय करेगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जब जब कांग्रेस शांत रही है तब तक कुछ बड़ा करके दिखाया है विभिन्न चुनाव में, तो यह जानना जरूरी हो जाएगा कि गुजरात की राजनीति में आज जनता कैसे किसको पसंद करती है और कांग्रेस कब अपनी एंट्री करती है, क्या फिर कन्हैया कुमार के साथ एंट्री करेगी या फिर खड़गे स्वयं उतरेंगे या फिर खड़गे के पुत्र जो प्रियंका खड़गे वो उतरेंगे, ये तो सवाल बने हुए हैं। लेकिन सवाल यह है क्या
गुजरात का जो इतिहास है वो इस बार गुजरात की जनता बदल देगी, क्या फिर दूसरी सरकार लाएगी या फिर बदलाव की राजनीति देखने को मिलेगी, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। आज की बात में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। देखते रहिए SPN9 न्यूज। बहुत शुक्रिया।